बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इमरान खान और आप देख रहे हैं चावल एंड फूड। तो दोस्तों आज हम मौजूद हैं अम्मा टावर मोबाइल शॉपिंग मॉल पे। तो 2023 के हमने सोचा कि आपसे कुछ रेट्स वगैरह शेयर किए जाएँ, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक करें। तो आइए मेरे साथ। अच्छा दोस्तों, हमारे साथ मौजूद हैं उवैस भाई। अस्सलाम वालेकुम उवैस भाई। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर? आज हमें क्या दिखा रहे हैं आप? सर हम आपको दिखाते हैं टाइप्स। ठीक है, तो दिखाइए कौन सा शुरू करते हैं। सबसे पहले सबसे कम प्राइस में, ठीक है, ये अमेजोन का टैब है 1GB 8GB। इसमें 1GB 16GB भी आता है, 7 इंच का साइज़ है। इसमें व्हाट्सएप, गेम नॉर्मल और यूट्यूब वगैरह सारी चीज़ें वर्किंग है। एसडी कार्ड भी सपोर्टेड है इसके अंदर। ये आपको मिलेगा 7,500 रुपये का 1/16 और 7,000 रुपये का 1/8। ठीक है, इसमें कलर भी बहुत सारे हैं, वो भी दिखा दूँ मैं ज़रा सा। सारे मिल जाएंगे, ये देख सकते हैं। क्या कॉन्फ़िगरेशन इनकी सेम हुई? 1GB 8GB और 1GB 16GB। प्राइसेस वगैरह ये है इसके 7 इंच के जो है वो 7,500 रुपये 1/16 के, और 7,000 रुपये जो है वो 1/8 के। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट। बाकी हम दिखाते हैं आपको सैमसंग का टैब A6 है 7 इंच के साइज़ में। ओके, 1.5GB रैम है और 8GB स्टोरेज है इसकी। SD कार्ड सपोर्टेड है, सैमसंग का बेहतरीन टैब है ये। इसमें भी SD कार्ड सपोर्टेड है, ये आपको पड़ेगा 10,000 रुपये का। ठीक है, इसके अलावा फिर हम चलते हैं नेक्सिस का। नेक्सिस 2GB 16GB और 2GB 32GB, कंडीशन सबकी साफ मिलेगी आपको। 2GB 16GB और 2GB 32GB, 2/16 आपको पड़ेगा 10,000 रुपये का और 2/32 आपको पड़ेगा 12,000 रुपये का। ओके, इसके बाद हम चलते हैं अल्काटेल के ब्रांड में। ये है अल्काटेल 8 इंच में, 3GB रैम है, 32GB स्टोरेज है। एंड्रॉयड इसका 10 है, टाइप सी पोर्ट है इसकी। ये आपको पड़ेगा 14,500 रुपये का, 3GB रैम 32GB स्टोरेज है। इसके बाद हम चलते हैं सैमसंग के टैब 4 पे। ये सैमसंग का टैब 4 है, कंडीशन सब की आपको मिंट कंडीशन मिलेगी। कंडीशन दिखा सकते हैं आप बिल्कुल जी। ये 2GB 16GB है, 8 इंच का साइज है सैमसंग का टैब 4। इसमें भी SD कार्ड सपोर्टेड है, ये आपको पड़ेगा 12,500 रुपये का फाइनल, 12,500। बाकी आपके चैनल के रेफरेंस से कोई भी आएगा तो फिर उसको डिस्काउंट दे देंगे। फिलहाल अभी 12,500 रुपये का पड़ेगा। थैंक यू सर। इसके बाद हम चलते हैं सैमसंग टैब ई। ये 2GB 32GB आता है इसमें और 2GB 16GB। सैमसंग का टैब ई 2/16 जो होगा 12,500 रुपये का पड़ेगा, और 2GB 32GB वो 14,500 रुपये का पड़ेगा। ठीक है, इसके हवा का ये सामने पड़ा है वो दिखाइएगा सामने। कौन सा? टॉपर जी, ये वाला राइट साइड पे, ये ठीक, ये दिखाइएगा। ये 10 इंच का टैब है हवा का, 2GB 16GB, 2/16 10 इंच में ये आपको पड़ेगा 15,500 रुपये का फाइनल, 15,500 जी। ओके, 15,000 रुपये का। ठीक, और ये टॉप आई पैड जो सामने पड़े एप्पल का वो दिखाइए, वो टॉप पर ये वाले जी। ये है आई पैड मिनी 4। अच्छा, फिर सैमसंग टैब ए पे चलते हैं हम। टैब ए 2GB 32GB, एंड्रॉयड 10 है, 2018 का मॉडल है ये। ओके, सैमसंग का टैब ए, ये आपको मिल जाएगा 15,000 रुपये का, 2GB रैम है, 32GB स्टोरेज है, एंड्रॉयड भी 10 है इसका। सही। इसके साथ चलते हैं, ये भी टैब ए है, 2019 का मॉडल है, एंड्रॉयड इसका 11 है, ये भी 2GB 32GB है, ये 16,000 रुपये का मिलेगा आपको, 2GB 32GB। इसके साथ चलते हैं फिर हम लेनोवो पे। ये लेनोवो है M8, इसका 2/16 भी है, 2/32 भी है, कंडीशन सब की आपको फ्रेश, बिल्कुल फ्रेश मिलेगी। ये 2GB 16GB आपको मिलेगा 14,000 रुपये का, और 2/32 आपको मिलेगा 16,000 रुपये का इसका। इसके बाद चलते हैं एक नया मॉडल एक्टिव 1 जो मिलता नहीं है। कंडीशन भी बड़ी ज़बरदस्त है इसकी और पायदारी भी। इसमें एक खासियत ये है, इसका बैक कवर निकालें, बैटरी निकाल सकते हैं, रिमूवेबल है, रिमूवेबल। ठीक है, बैटरी हम ऐड कर सकते हैं दोबारा जी, बिल्कुल। ये 2GB 16GB फ्लैश लाइट भी है इसके अंदर, ये आपको पड़ेगा 14,000 रुपये का, 2GB 16GB, 2/16। ठीक है, बाकी इसके साथ चलते हैं हम फिर सैमसंग के टैब A7 लाइट। 3GB 32GB, 8.4 इंच है, 2020 का मॉडल है, एंड्रॉयड इसका 11 है। ठीक, बाकी ये 3GB 32GB आपको पड़ेगा 22,500 का। फिर इसके साथ चलते हैं हम ये डोकोमो पे। डोकोमो हुआवे डी टैब है, D01J, ये मशहूर मॉडल है, ये 3GB 16GB है, ये 8 इंच का साइज़ है, ये आपको मिलेगा 16,500 रुपये का, 3GB 16GB। इसके बाद चलते हैं हम अपना आईपैड अभी छोड़ देते हैं लेनोवो पे। ये लेनोवो टैब 4 है,
2GB 16GB है ये लेनो टैब फोर, ये आपको मिलेगा 13,000 रुपये का, 2GB 16GB 8 इंच के साइज में, ठीक है। फिर इसके बाद चलते हैं हम आईपैड पे, ये एप्पल का आईपैड है, आईपैड मिनी 2 है, दो ये 16GB रैम है इसकी, स्टोरेज 16GB है, रैम इसकी 1GB 1.5GB आती है, तो 16GB स्टोरेज में ये आपको पड़ेगा 15,000 रुपये का, 216 मिनी 2 जी, ठीक। इसके बाद फिर हम चलते हैं, अल्लाह भला करे, आपका सैमसंग का टैब S2, टैब S2 है, 3GB 32GB है, ये आपको पड़ेगा 25,000 रुपये का, सैमसंग टैब S2 3GB 32GB 25,000 रुपये का, ठीक है, ठीक। इसके बाद चलते हैं हम एरोस पे, ये एरोस का टैब है, 3GB 32GB है, एमुलेट डिस्प्ले है इसका, 10 इंच के साइज़ में, ये आपको पड़ेगा 17,000 रुपये का, 3/32। इसके बाद चलते हैं अमेजन का, तो बैटरी बैकअप इनके सही है ना, बिल्कुल सही, बैटरी बैकअप कंटिन्यू इस्तेमाल पे 4 से 5 घंटे का बैकअप आएगा स्टिल, तमाम टैब का। अच्छा, ये टैब है अमेजन का 10 इंच, 2GB 32GB रैम है इसकी, ये आपको पड़ेगा 14,000 रुपये का 10 इंच के साइज़ में, 2/32। नॉर्मल टैब की जो 4-5 घंटे बैकअप होता है ना, जी जी। इसके बाद हम चलते हैं सैमसंग का एक टैब ए है, 2GB रैम है, 32GB स्टोरेज है, 2019 का मॉडल है, 10 इंच में, ये आपको पड़ेगा 19,500 रुपये का, ठीक है। इसके बाद सैमसंग का टैब S3, हाँ ये ज़्यादा स्मार्ट है, ये बहुत ज़बरदस्त है, सुपर एमोलेड डिस्प्ले इसका टैब S3 है, ये आपको पड़ेगा 35,000 रुपये का, 35 का। कॉन्फ़िगरेशन क्या बताया, दोबारा बताइए, 4GB 32GB रैम है, 32GB स्टोरेज है इसकी, और ये आपको पड़ेगा 35,000 रुपये का, सुपर एमोलेड डिस्प्ले सैमसंग का टैब S3, ठीक। उसके बाद हम ऐसा रह गया, ऐसा। इसके बाद एक टैब है एसर का, ये 1GB 16GB और 1GB 32GB है, 10 इंच का साइज़ है, एसर का टैब है, ये आपको पड़ेगा 8,500 रुपये का। अच्छा, ये बिल्कुल लो क्वालिटी है, बिल्कुल ही लो प्राइस, 10 इंच के साइज़ में 8,500 रुपये का, इसका बैकअप 4-5 घंटे है इसका, इसका भी बैकअप यही है, ठीक है, ये सही है, 8,500 रुपये का पड़ेगा ये। इसके और भी पीस हैं, ये देखें आप, अच्छा ठीक है, उनकी क्या प्राइस है, ये 8,500 रुपये का पड़ेगा, सेम प्राइस है। मैं आपको ये दिखा दूँ, एक मेरे पास कुछ माल आया हुआ बड़ा बेहतरीन, ये कार्टन में दिखा दें ज़रा सा, क्वांटिटी में आया हुआ कुछ मेरे पास, ये एसर का 10 इंच में टैब आया हुआ मेरे पास, इसमें 1/16, 1/32, 2/32 ये दोनों चीज़ें मेरे पास मौजूद हैं, ये देख सकते हैं इसकी पन्नी तक कुछ। अच्छा, ये माल जो मैं बता रहा था आपको, इसमें 1GB 16GB 1GB 32GB 2/32 इसमें सब मौजूद है मेरे पास, ठीक है, ये कंडीशन देख सकते हैं, बिल्कुल 10/10 है इसकी। प्रोटेक्टर बस हुआ, प्रोटेक्टर लगा हुआ इसमें, चलने में भी फास्ट है, सही। ये 2GB 32GB हो, 1/16 हो, 1/32 हो, ये आपको पड़ेगा 10,000 रुपये में, ठीक है। इसमें 2/16 और 2/32 भी है, 1/16 1/32 भी, आपको पड़ेगा 10,000 रुपये में, ठीक है, 10 इंच के साइज में। इसके बाद फिर मैं आपको ले चलता हूँ LG पे, LG का टैब है मेरे पास, ये देख सकते हैं 10 इंच के साइज़ में है, 10.1 इंच के लाते हैं, LG G5 है, 4GB रैम है, 32GB स्टोरेज है, ये आपको पड़ेगा 27,000 रुपये में, 4GB रैम 32GB स्टोरेज है इसके,
बाकी इसके साथ फिर मैं आपको आईपैड का बताता हूँ। आईपैड्स के कुछ मेरे पास मॉडल आए हुए हैं। आईपैड इसके अंदर मिनी 2 है, आईपैड मिनी 4 है, आईपैड 5th जनरेशन है, एयर 2 है, आईपैड 6th जनरेशन है, आईपैड प्रो है, ये सारे आए हुए हैं। मैं आपको फिर वो दिखाता हूँ। ये आईपैड 5th जनरेशन है, सही। आईपैड 5th है, 32 GB है, 10 इंच के साइज़ में है। ये आपको पड़ेगा आईपैड 30,000 रुपये का, 32 GB में। फिर आ जाते हैं आईपैड एयर 2। आईपैड एयर 2 है, 64 GB, 128 GB, इसमें दोनों वेरिएंट मौजूद हैं मेरे पास। ये 64 GB आपको पड़ेगा 31,000 रुपये का, और 128 GB वो आपको पड़ेगा 35,000 रुपये का। इसके बाद चलते हैं आईपैड 6 पे। ये आईपैड 6 है, 128 GB है। आईपैड 6 128 GB आपको पड़ेगा 48 का, 128 GB, और इसमें 32 GB जो है आईपैड 6 वो आपको पड़ेगा 36 का। ये 48,000 का, ये 48 का पड़ेगा, 48,000 रुपये का, ठीक है। इसके अंदर आईपैड प्रो है एक, वो भी दिखा दूँ मैं आपको, आईपैड प्रो। अच्छा ये देखें, कुछ क्वांटिटी में दिखा दूँ आपको, ये माल की मेरे को पड़ी हुई है। ये कंडीशन भी देख सकते हैं आप सबकी, 10x10 कंडीशन है। ये आईपैड 6 का माल है 32 GB में, ये 36,000 रुपये का पड़ेगा आपको, ठीक है। अच्छा अवैध भाई, ये सब तो चीज़ फाइनल हो गई हैं जी। अच्छा मुझे फाइनली यहाँ का कंप्लीट एड्रेस बता दीजिएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ का एड्रेस है सदर अम्बा टावर है, जैसे नुमाइश से कोई आता है तो 7 Day हॉस्पिटल बनता है, कंप्यूटर मार्केट नाज प्लाजा, उसके बिल्कुल साथ है अम्बा टावर मॉल। यूबिल बैंक के साथ मेन गेट है, इंटर होती है मेरी सेकंड शॉप है, G69 शॉप नंबर है मेरा, OS कम्युनिकेशन के नाम से। और कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं कोई? बाकी कांटेक्ट नंबर मेरा है मोहम्मद ओएस मेरा नाम है, बाकी कांटेक्ट नंबर 03402834090। अच्छा कैसे इसको कोई भाग पाकिस्तान से किसी भी शहर से अगर कोई परचेज करना चाहे किस तरह करेंगे आप, कैसे? अच्छा ऑनलाइन तो अगर किसी को मंगवाना हो तो COD हो जाती है, जैसे 3,000, 4,000, 5,000 रुपये डिपॉजिट होता है। बकाया पेमेंट जब आपके पास हाथ में टैबलेट आ जाता है, आप उसी को दे देते हो कोरियर वाले को। पूरे पाकिस्तान में कहीं भी मंगवाना हो आपने, 2 से 3 दिन में इंशाल्लाह पहुँच जाता है वो, ठीक है। बहुत शुक्रिया सर टाइम देने का, थैंक यू सो मच।